हेलो स्टूडेंट्स मैं अभिषेक सचान आप सभी का वेलकम करता हूं जीत के वी एस में जहां पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार सेशन मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर ठीक है ना इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरीज होती हैं वो क्या काम करती हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं ठीक है ना और मेमोरीज बेसिकली हमारे कंप्यूटर में क्यों लगाई गई उनकी ज़रूरत क्या पड़ी ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो मेरी बात को सभी लोग ना ध्यान से सुनेंगे ठीक है तो पहली बात तो ये है कि मेमोरी पार्ट किसका होती है तो सभी लोग याद रखेंगे कि मेमोरी जो है वो पार्ट होती है सी का किसका पार्ट होती है बेटा सीपीयू का पार्ट होती है अब सीपीयू क्या होता है ध्यान से सुनेंगे सीपी के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्यारे बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है एक बात दूसरी बात ये है कि सीपी को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या माइक्रोप्रोसेसर भी कहते हैं यह बात याद रखनी जरूरी है ठीक है सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या माइक्रोप्रोसेसर भी कहते हैं ठीक है एक बात दूसरी चीज ये समझिएगा कि जो सीपीयू होता है डिवाइडेड इन थ्री लॉजिकल पार्ट्स जो सी होता है उसे हम तीन लॉजिकल पार्ट्स में क्या करते हैं बच्चों डिवाइड करते हैं क्या आप में से कोई भी बच्चा मुझे वो तीनों लॉजिकल पार्ट बता सकता है मैंने पढ़ाए हुए हैं ठीक है तो एक पार्ट है ए दूसरा पार्ट है एमयू और तीसरा पार्ट है सी ठीक है ए का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखेंगे ए का फुल फॉर्म होता है अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट एमयू का एब्रिविएशन होता है मेमोरी यूनिट और सी का एब्रीविएशन होता है कंट्रोल यूनिट ये तीनों ही फुल फॉर्म्स याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है क्लियर हो गई ये बात ठीक है सर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ का कूपन कोड बता दीजिए बेटा ये आपको उसी में दिख जाएगा जहां पर आप परचेस करेंगे वहीं दिख जाएगा ठीक है तो ये बात याद रखना है कि सीपीयू के ये तीन पार्ट होते हैं ठीक है जिसमें कि आज हम जिसे विस्तार में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एमयू मेमोरी यूनिट ठीक है लेकिन हम आपको वो विस्तार में पढ़ाने से पहले थोड़ा बहुत बातें ए और सी की भी बता देना चाहते हैं ठीक है तो ए एलयू का काम क्या होता है ध्यान से सुनिएगा यहां पे लिखिएगा इट परफॉर्म्स ऑल काइंड ऑफ मैथमैटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्लियर जो एलयू होता है इसका काम क्या होता है मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा ठीक है अब यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं भाई तो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं लॉजिकल ऑपरेशन ग्रेटर देन हुआ लेस देन हुआ इक्वल्स टू हुआ एंड ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन हुआ नॉट ऑपरेशन हुआ एट्रसे्ट्रा ये सभी हमारे जो हैं लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं क्या मेरी बात सभी को क्लियर है ये सभी आपके लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ठीक है इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट और वो है एम यू यानी कि मेमोरी यूनिट दूसरा ऑपरेशन आता है एम यू यानी कि आपका मेमोरी यूनिट तो इसका काम क्या होता है टू स्टोर टू प्रोसेस टू प्रोसेस एंड स्टोर डेटा टू प्रोसेस एंड स्टोर डेटा डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को स्टोर करना यह काम होता है गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून ठीक है और तीसरा है आपका सीयू तो सीयू का काम होता है टू कंट्रोल All kind of operations run on computer to control all kind of operations run on computer कंप्यूटर के अंदर चलने वाले सभी प्रकार के ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम जो है यह कंट्रोल यूनिट का होता है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत तो ये है हमारे सीपीयू के तीन मेजर पोर्शंस ठीक है अब इन सभी मेजर पोर्शंस में आज हम लोग जिस पोर्शन के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं उस पोर्शन का नाम है मेमोरी यूनिट उस पोर्शन का नाम है मेमोरी यूनिट ठीक है सभी लोग इस बात को याद रखेंगे कि जो मेमोरी यूनिट होती है वो दो प्रकार की होती है जिसमें आता है पहला प्राइमरी मेमोरी क्या आता है प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है और वो है मेन मेमोरी और इसका एक नाम और भी होता है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये है इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कुछ भी कह लो ठीक है ऐसे ही दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी आप लोग कहते हो ना सर थ्योरी पढ़ा करके क्वेश्चंस कराइए तो वही थ्योरी पढ़ा रहे हैं आज ठीक है सेकेंडरी मेमोरी इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी और इसका एक और नाम है और वो है एक्सटर्नल मेमोरी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग चलिए अब बात करेंगे नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी मेमोरी आसान शब्दों में समझिए कि प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है प्राइमरी मेमोरी का काम होता है सर टू प्रोसेस डेटा प्राइमरी मेमोरी का काम होता है टू प्रोसेस डेटा सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है सर टू स्टोर डेटा क्लियर टू प्रोसेस डेटा एंड टू स्टोर डेटा अब यहां पर सबसे पहला नाम जो आता है वो है रैम का तो रैम के बारे में पहला क्वेश्चन अराइज होता है रैम का फुल फॉर्म क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा रैम का फुल फॉर्म है सर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं टेम्पररी मेमोरी रैम को तीसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं वॉलेटाइल मेमोरी ये सब बातें हम समझा देंगे अभी ठीक है और रैम को लास्ट में हम कह सकते हैं रीड एंड राइट मेमोरी रीड एंड राइट मेमोरी ये सभी बातें हम रैम को कह सकते हैं ठीक है ये सभी बातें जो हैं हम रैम को कह सकते हैं ठीक है वॉलेटाइल शब्द का मतलब क्या होता है वो भी लिख लो आफ्टर रिमूविंग करेंट डेटा लॉस्ट आफ्टर रिमूविंग करंट डेटा लॉस्ट आपका मशीन में जो करंट है जैसे ही वो हटेगा जो डेटा है वो उड़ जाएगा वाष्पीकृत हो जाएगा इसको समझते हैं चलिए अब ये जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं अब इन्हें समझाते हैं आपको ठीक है ध्यान से सुनिएगा आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट पर हम टाइपिंग कर रहे हैं सभी लोग केयरफुली मेरी बातों को सुनेंगे ठीक है टाइपिंग कर रहे हैं टाइपिंग कर रहे होने का मतलब ये है कि ये फाइल जो है किस मोड में है प्रोसेसिंग मोड में है यह फाइल जो है किस मोड में है सर प्रोसेसिंग मोड में है ठीक है ठीक उसी वक्त हमने अपने कंप्यूटर में एक सॉन्ग भी प्ले कर दिया तो सॉन्ग प्ले करने का मतलब यह है कि वो सॉन्ग भी इस समय किस मोड में है तो आंसर आ जाएगा प्रोसेसिंग मोड में है ठीक है तो ये दोनों फाइलें हमारे कंप्यूटर में इस समय प्रोसेसिंग मोड में हैं, ठीक है अचानक से हमारे सिस्टम का जो करंट है वो ऑफ हो जाता है और हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है ठीक है थोड़ी देर बाद जब लाइट आती है तब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये गाना तो हमें दोबारा मिल जाता है लेकिन ये फाइल हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये गाना हमें क्यों मिल रहा है और ये फाइल हमें क्यों नहीं मिल रही है तो आंसर आएगा कि ये गाना जो है ये हमारे पास सेव था और ये फाइल जो है ये फाइल सेव नहीं थी यानी कि ये जो गाना है ये परमानेंट है इसलिए हमें मिल गया और ये फाइल जो है ये टेम्पररी है इसलिए हमें नहीं मिली सुना आपने गाना जो है वो परमानेंट है इसलिए वो हमें मिल गया फाइल चूंकि टेम्पररी है इसलिए वो हमें नहीं मिली लेकिन इस पूरी बात में एक और बात है जो हम यहां पर मिस कर रहे हैं वो ये है कि जिस वक्त कंप्यूटर बंद हुआ था हम टाइपिंग कर रहे थे और ये गाना प्ले हो रहा था यानी कि ये दोनों ही फाइलें इंडिविजुअली प्रोसेसिंग मोड में थीं लेकिन जब मैंने कंप्यूटर अभी अपना दोबारा ऑन किया है ये गाना तो मिला लेकिन ये चलता हुआ नहीं मिला ये गाना तो मिला लेकिन ये चलता हुआ नहीं मिला इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें प्रोसेस हो रही थीं करंट ऑफ हो जाने के बाद वो सभी प्रोसेसिंग मोड में नहीं रह जाती हैं ठीक है तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि रैम में क्या होता है तो सभी लोग इस बात को जवाब दीजिएगा कि वो डेटा जो हमारे कंप्यूटर में वर्तमान में प्रोसेस हो रहा है चाहे वो सेव हो या सेव ना हो वो रैम पर होता है क्या सभी बातें मेरी क्लियर हैं कमेंट करके बताएंगे कोई भी ऐसा डेटा जो हमारी मशीन में प्रोसेस हो रहा है चाहे वो सेव हो या सर वो सेव ना हो वो हमारे पास रैम में रहता है जब करंट ऑफ हो जाता है चूंकि वो टेम्पररी होता है इसलिए वो वॉलेटाइल वो हो जाता है इसीलिए यहां लिखा है आफ्टर रिमूविंग करंट डेटा लॉस्ट क्या इतनी बात सभी को क्लियर है क्या इतनी बात सभी को क्लियर है तो यह पॉइंट क्लियर यह पॉइंट क्लियर और यह पॉइंट भी क्लियर और ये पॉइंट भी क्लियर कि रैम में क्या रहता है तो आंसर आएगा वो डेटा जो मशीन में प्रोसेस हो रहा है अब बात करते हैं कि रैम को रीड एंड राइट क्यों कहते हैं ध्यान से सुनिएगा हमने क्या करा ये एम एस डॉक्यूमेंट दोबारा बनाया क्योंकि इसको बनाना जरूरी था ठीक है अब हमने इसको मान लो किसी नाम से सेव कर दिया करेंट अफेयर्स डॉट डी नाम से हमने इसे सेव कर दिया ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी लिखा है हमें उसे रीड करना है हमें उसे पढ़ना है या हमें इस डॉक्यूमेंट में कुछ राइट करना है लिखना है इन दोनों ही कंडीशंस के लिए हमें इस फाइल को ओपन करना होगा ओपन करने का मतलब उसे प्रोसेसिंग मोड में लाना होगा और जो भी चीज़ें प्रोसेसिंग मोड में होती हैं हम जानते हैं वो सभी रैम पर होती हैं इसीलिए कहा जा रहा है कि रैम एक रीड एंड राइट मेमोरी होती है रीड एंड राइट का आसान शब्दों में मतलब होता है एडिटेबल अगर आपसे कभी कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड एंड राइट तो जवाब हो जाएगा सर एडिटेबल कोई भी ऐसा डेटा जिसे आप बदल सकते हैं उसे हम एडिटेबल बोलते हैं क्या मेरी बात सभी को क्लियर है अगर आपसे कभी कोई पूछे कि, कि किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में क्यों कन्वर्ट कर दिया जाता है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है यही तो होता है ना पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ना पीडीएफ में क्यों कन्वर्ट कर दिया जाता है तो आंसर आएगा उस डॉक्यूमेंट को नॉन एडिटेबल बनाने के लिए किस लिए किया जाता है उस डॉक्यूमेंट को नॉन एडिटेबल बनाने के लिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब हम आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने रैम के बारे में आपको सभी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं ठीक है अब चलते हैं अगली मेमोरी की तरफ और उस मेमोरी का बच्चों नाम है रॉम रॉम नाम है भाई रॉम क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में रॉम का फुल फॉर्म बताएगा तो लिखेंगे इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी अब ध्यान से समझो जरा रैम के बारे में आप बच्चों ने अभी पढ़ा है कि रैम रीड एंड राइट दोनों होती है यानी कि एडिटिंग हो सकती है यही तो पढ़ा है ना कि रैम जो है वो रीड एंड राइट दोनों होती है यानी कि एडिटिंग हो सकती है बेटा मेरी क्लास की टाइमिंग जो है वो इवनिंग में 6 से सात पीएम होती है आज कुछ काम आ गया है इस वजह से इस क्लास को दो बजे से तीन बजे रीशेड्यूल कराया है और ये क्लास जो है हमारी ट्यूजडे टू सैटरडे डेली चलती है ठीक है क्योंकि मंडे के दिन हमारा पेड बैच होता है वो छह से सात में ही होता है इसलिए मंडे नहीं चल पाती ठीक है हाँ तो मैं क्या कह रहा था मैं कुछ कह रहा था कि इसका फुल फॉर्म तो रीड ऑनली मेमोरी है ठीक है अब रैम जो है वो रीड एंड राइट दोनों है यानी कि उसमें एडिटिंग हो सकती है लेकिन यहां तो खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है ना कि ये रीड ओनली है यानी कि इसमें बदलाव नहीं हो सकते हैं और जिस चीज में बदलाव नहीं हो सकते हैं उसे बोला जाएगा परमानेंट मेमोरी उसे क्या बोला जाएगा परमानेंट मेमोरी और परमानेंट मेमोरी को हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कंप्यूटर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है रैम में डेटा तब तक रहेगा जब तक मशीन में करंट रहेगा लेकिन रॉम में डेटा करंट रहे या ना रहे हमेशा रहता है ठीक है क्या आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कि रॉम के अंदर क्या डेटा रहता है क्या बेटा आपको पता है कि रॉम में क्या डेटा रहता है ठीक है ना तो याद रखिएगा रॉम कंटेंस बायोज ऑफ कंप्यूटर बहुत बढ़िया हाँ क्वेश्चन है ये ठीक है ना रोम में क्या रहता है तो याद रखिएगा रोम के अंदर हमारे सिस्टम का बायोज रहता है और बायोज का फुल फॉर्म क्या होता है कोई बच्चा बताएगा बायोज का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्लियर हो गई ये बात सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें सभी बच्चे ये स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें फिर आगे चलते हैं अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है बूटिंग अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ और उस अगले कंसेप्ट का नाम है बूटिंग क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बूटिंग क्या होता है ठीक है तो आसान बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है आपके एग्जाम के लेवल की वो ये है कि स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर ध्यान से सुनिएगा स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज बूटिंग तो सिंपल आंसर है स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग क्लियर यह एक सिंपल डेफिनेशन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे याद भी कर लेंगे ठीक है लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन बताने जा रहा हूं मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ठीक है देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है ना कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये तो सबको ही जानता है और चूंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसलिए उसे चलने के लिए करंट यानी कि पावर की, की जरूरत भी है इसलिए उसे चलने के लिए करंट यानी कि पावर की, की जरूरत भी है उसके बगैर तो नहीं चलेगा तो बींग यूजर आप खुद सोचिए आप सब कंप्यूटर चलाते हो आप सब मोबाइल चलाते हो आप मुझे बस इतना बताओ कि एक कंप्यूटर का यूजर कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करता है ठीक है तो आंसर आएगा कि सर हम तो कंप्यूटर की पावर बटन प्रेस कर देते हैं हम कौन हैं हम कंप्यूटर के यूजर हैं यही तो करते हो ना पावर बटन प्रेस कर देते हो पावर बटन को प्रेस करने के बाद 30 सेकंड तक किसी के कंप्यूटर में 40 सेकंड तक किसी के कंप्यूटर में एक मिनट तक अलग अलग सिस्टम पे डिपेंड करता है और उसके बाद आप देखते हैं कि आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप आपके सामने आ जाता है डेस्कटॉप सामने आने का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है सभी लोग बताएं क्या मेरी बात से इतनी सहमत है पावर बटन हमने ऑन करी तीस सेकेंड बाद हम देख रहे हैं कि हमारा डेस्कटॉप हमारे सामने आ चुका है तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है तो हमारा पावर बटन ऑन करना और हमारा डेस्कटॉप आना इस दौरान ये जो तीस सेकेंड लगे हैं इस दौरान कंप्यूटर में कोई तो प्रोसेसिंग हुई है ना और उसी प्रोसेसिंग को हम बूटिंग कहते हैं तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस 30 सेकेंड में हुआ क्या है क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट में बता सकता है कि इस तीस सेकंड में क्या हुआ होगा एग्जैक्टली क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि इस तीस सेकंड में आखिरकार क्या हुआ है तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ठीक है कंप्यूटर में सबसे पहले पावर की जरूरत है तो बींग यूजर हम पावर बटन ऑन करेंगे ठीक है पूरी मशीन में करंट स्प्रेड करेगा ठीक है जैसे ही करंट स्प्रेड करेगा सबसे नंबर एक पर जो एक्टिवेट होता है वो होता है रोम। रोम के अंदर क्या होता है अभी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले रोम के अंदर हमारे कंप्यूटर का बायोज होता है पढ़ाया इसी बायोज का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर इसे हम कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर बूट स्ट्रैप लोडर के आगे लिखेंगे ऑलवेज इनिशिएट्स बूटिंग ऑलवेज इनिशिएट्स बूटिंग अच्छा एक और बात सुन लो इस बूट स्ट्रैप लोडर का नाम आपको कहीं कहीं पर बूट लोडर भी देखने को मिल जाएगा और सिर्फ लोडर भी देखने को मिल जाएगा ठीक है मतलब कंफ्यूज नहीं होना बूट स्ट्रैप लोडर नहीं लिखा है तो हो सकता है बूट लोडर लिखा हो या सिर्फ लोडर लिखा हो ठीक है ये बूट स्ट्रैप लोडर ही बूटिंग की शुरुआत करता है यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर ये बूट स्ट्रैप लोडर नहीं है तो कंप्यूटर कभी ऑन नहीं होगा कुछ भी हो जाए ऑन नहीं हो सकता ठीक है आप सुनिएगा तो बूट स्ट्रैप लोडर जब बूटिंग की शुरुआत कर देता है सारी फाइल्स को चेक कर लेता है और जब सब ओके होता है तब जाकर के कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए उसमें डाला क्या जाता है ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोगों ने कंप्यूटर को जब पहली बार खरीदा होगा तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप लोगों ने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर ऑन नहीं होता ठीक है ना बस सर आप यही बात तो अभी बूट लोडर के लिए भी कह रहे थे कि ऑन नहीं होता बेटा इन दोनों की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए बस अंतर यह होता है कि जो बायोज होता है ये कंप्यूटर में मैन्युफैक्चरर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हम खुद डालते हैं ठीक है अभी मैं इन दोनों बातों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा अभी मुझे यह समझाने दो पहले ठीक है ना तो कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डालते कहां पर है कभी ध्यान दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम जाता तो यार सी ड्राइव में है तो सी ड्राइव क्या होती है सी ड्राइव होती है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क सी ड्राइव क्या होती है सी ड्राइव होती है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ठीक है अब आपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला किस लिए है ताकि आप अपने कंप्यूटर को क्या कर सकें स्टार्ट कर सकें डाला कहां पर है सी ड्राइव में यानी कि हार्ड डिस्क में डाला है मुझे अगर आपसे यह पूछना हो कि आपने अपने कंप्यूटर में ये ढेर सारी मूवीज डाल रखी हैं यह ढेर सारे सॉन्ग्स डाल रखे हैं तो यही जवाब तो आप देंगे ना कि ये सब कुछ हमने हार्ड डिस्क में डाल रखा है हार्ड डिस्क में डाल रखा है लेकिन आप सोचो कि ये मूवी क्यों डाल रखी है देखने के लिए ना सॉन्ग्स क्यों डाल रखे हैं सुनने के लिए ना तो ये मूवी देख या सुन कब आप पाएंगे जब ये प्रोसेसिंग मोड में होंगी इसका ये मतलब हुआ कि जब ये रैम पर होंगी तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि कोई भी चीज हम अपने कंप्यूटर में जब डालते हैं तो वो हार्ड डिस्क में डालते हैं लेकिन जिस लिए डालते हैं वो तभी होता है जब वो रैम पर होता है कोई भी चीज हम जब कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में करते हैं ठीक है ना आपने मूवीज डाल रखी हैं आपने भैया की शादी का वीडियो डाल रखा है तो सब कहां पड़ा है हार्ड डिस्क में पड़ा है ना लेकिन वो सब कुछ जो पड़ा है वो सब कुछ प्रोसेसिंग मोड में आएगा कब जब वो रैम पर होगा सेम चीज यहां पर भी है आपने ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में डाल रखा है किस लिए डाल रखा है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए तो कंप्यूटर स्टार्ट कब होगा जब यह ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर लोड होगा जाकर के रैम पर जाकर के लोड होगा और यही प्रोसेस जो है सर बूटिंग कहलाता है यानी कि टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम इज कॉल्ड बूटिंग सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं क्या मेरी बात समझ में आ गई है टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम इज कॉल्ड बूटिंग टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्डेस्क टू रैम इज कॉल्ड बूटिंग सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या यह बात सभी लोगों को क्लियर है तो आज के बाद आपसे कोई पूछता है भाई बूटिंग क्या होती है तो आप क्या जवाब देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे हार्ड डिस्क से उठ करके रैम पर लोड होना बूटिंग कहलाता है अब सुनिएगा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होगी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कंप्यूटर में एसएसडी होगी ठीक है हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव ठीक है तो जिसके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होगी उसकी बूटिंग में टाइम ज्यादा लगेगा जिसके में एस होगी उसके में बूटिंग में टाइम कम लगेगा क्योंकि एस फास्ट होती है ठीक है अब आप समझ सकते हैं कि हम यहां पर यह बात क्यों कह पा रहे हैं कि यह जो 30 सेकंड का समय है यह बढ़ के ज्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो सकता है डिपेंड करेगा कि आपके हार्डवेयर का कंफिग्रेशन किस लेवल का है क्या यहां तक की बातें सभी को क्लियर हैं ठीक है थीके? चलिए अब एक पॉइंट था जो मैंने अभी बोला था कि मैं बताऊंगा वो ये है कि मैन्युफैक्चरर क्या देता है और यूजर क्या डालता है ठीक है मेरी बात को बच्चों ध्यान से सुनना मैन्युफैक्चरर आपको आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर देता है और वो है बायोज ठीक है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बायोज जो होता है वो रॉम के अंदर होता है ठीक है और बायोस के बारे में बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि फर्मवेयर किसे कहते हैं तो आंसर होता है बायोस को हम फर्मवेयर कहते हैं ठीक है ना कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें मैन्युफैक्चरर अवेलेबल कराता है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं एग्जाम्पल उसका बायोस है ठीक है और एक यूजर की आप बात कर लो तो यूजर तो बेटा आप स्वयं हो आप समझ सकते हो उस चीज को कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो कोई ई e बुक हो कोई वीडियो हो कोई ऑडियो हो कोई इमेज हो भैया की इंगेजमेंट की शादी का वीडियो हो दीदी की मेहंदी का वीडियो हो ये सब ताम झाम जो है यूजर जो डालता है वो सब कहां पर डालता है हार्ड डिस्क में डालता है या एस एस डी में डालता है ठीक है और यूजर जब भी कोई मैनुपलेशन करता है किसी भी प्रकार का चेंजमेंट करता है तो वो भी हमेशा कहां पर करता है हार्ड डिस्क में करता है यह बात प्लीज याद रखिएगा ठीक है क्या यहां तक की पढ़ाई सभी बातें सभी को क्लियर हैं अब चलते हैं आगे कुछ टर्म हैं, इनको जरा ध्यान से समझ लो स्लीप मोड का नाम सुना है आप लोगों ने या इसको एक मिनट बाद बताते हैं पहले ध्यान से सुन लो टाइप्स ऑफ बूटिंग टाइप्स ऑफ बूटिंग क्या होता है तो सभी लोग याद रखेंगे एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है आपका वार्म बूटिंग तो क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हैं कि कोल्ड बूटिंग क्या होता है और वार्म बूटिंग क्या होता है याद रखना बेटा कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करना या कंप्यूटर को स्टार्ट करना मेरी बात को ध्यान से सुनो कंप्यूटर को ऑन करना या कंप्यूटर को स्टार्ट करना यह कहलाता है कोल्ड बूटिंग ठीक है अब सर कंप्यूटर को स्टार्ट करना इसका क्या मतलब है इसका सीधा सा मतलब यह है कि इससे पहले आपने शट डाउन किया था ध्यान से सुन लीजिए इससे पहले आपने शट डाउन किया था शट डाउन करने के बाद अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है ठीक है वार्म बूटिंग क्या होता है जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीबूट करते हैं रीस्टार्ट या रीबूट करते हैं तो वो सर आपका वार्म बूटिंग कहलाता है सभी लोग याद रखेंगे क्लियर हो गई ये बात सभी लोग सारी बातें नोट कर लीजिएगा अच्छा नोट डाल के एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसी बात पर रीस्टार्ट करने के लिए एक बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रीस्टार्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट ठीक है टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू restart your योर कंप्यूटर ठीक है बेटा और वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट जो होती है ये आपके टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की होती है और इस शॉर्टकट की को इन्वेंट करने वाले जो भाई साहब हैं उनका नाम है डेविड ब्रैडले ठीक है एक शॉर्टकट की और है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप ठीक है ये होता है विंडोज टास्क मैनेजर मतलब टास्क मैनेजर के अंदर का एक ऑप्शन होता है विंडोज टास्क मैनेजर तो अगर आप उसको वैसे ना खोल करके डायरेक्ट खोलना चाहो तो आप ये शॉर्टकट की से ये काम कर सकते हो क्लियर अगर कंप्यूटर वन है और दोबारा कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसको वॉम बूटिंग कहते हैं। देखो मेरी बात सुनो रीस्टार्ट करने का मतलब समझते हो क्या होता है आप अपना कंप्यूटर जब भी बंद करते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो गए वहां पर एक शटडाउन ऑप्शन होता है ठीक है वहीं पर एक ऊपर या नीचे कहीं एक रीस्टार्ट ऑप्शन होता है कि नहीं होता है तो आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से आपने अपना कंप्यूटर शट डाउन किया और इमीडिएट ऑन किया तो वो कोल्ड बूटिंग है इमीडिएट ऑन किया एक घंटे बाद किया एक हफ्ते बाद किया एक महीने बाद किया जब तुम्हें समय लगा तब किया वो कोल्ड बूटिंग है क्योंकि उससे पहले कंप्यूटर शट डाउन किया गया था ठीक है लेकिन अगर आप इस रिस्टार्ट पे क्लिक करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कंप्यूटर ऑफ होगा और फिर अपने आप ऑन हो जाएगा इसे कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या अभी डिफरेंस समझ में आ गया है वार्म बूटिंग का मतलब है कि रीस्टार्ट पे क्लिक करना है क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई है बेटा ये क्लास डेली छ से सात चलती है आज कुछ कारणों की वजह से दो से तीन करी गई है कल छह से सात ही होगी ठीक है क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई है इसी के अलावा आप लोगों ने एक ऑप्शन स्लीप मोड भी सुना होगा स्लीप मोड क्या होता है भाई तो याद रखिएगा पावर कंजम्पशन ऑन पावर कंजम्पशन ऑन कॉमा ऑल प्रोग्राम्स सेव इसका मतलब समझते हो कि आपने अपने कंप्यूटर को अगर स्लीप मोड में डाला है तो सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें चल रही होंगी वो सुरक्षित रहेंगी बस कंप्यूटर में पावर कंजम्पशन होती रहेगी ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है ऐसा ही एक दूसरा ऑप्शन आप लोगों ने सुना होगा हाइबर नेट का तो इसमें क्या होता है ये भी स्लीप जैसा ही है बस पावर कंजम्पशन जो ऑन लिखा है उस जगह ऑफ हो जाएगा पावर कंजम्शन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स सेव सभी प्रोग्राम्स क्या रहेंगे सेव रहेंगे ठीक है ऐसे ही आप लोगों ने लॉग ऑफ भी सुना होगा ठीक है इसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्विच फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट टू स्विच फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इन अ कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर के अंदर अगर हमें एक अकाउंट एक एक से दूसरे अकाउंट में स्विच करना होता है तो हम लॉग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं क्या यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं यही सारे ऑप्शंस तो देखते हो ना शटडाउन री स्टार्ट लॉग ऑफ आपका ये हाइबर नेट स्लीप ये सारे ऑप्शंस ही तो देखते हो सारे बता दिए ठीक है चलते हैं आगे बात करेंगे अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की ठीक है सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम ऑक्सिलरी मेमोरी होता है ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है ठीक है अब ऑक्सिलरी मेमोरी होता है तो इसका मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर आप डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं टू स्टोर डेटा परमानेंटली टू स्टोर डेटा परमानेंटली ठीक है कितने तरीके की मेमोरी होती है ध्यान से सुन लो पहली है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया पहला है आपका मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया अब इस मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया में कौन कौन आता है ध्यान से सुनो आपका हार्ड डिस्क आ जाता है ठीक है सर आपका फ्लॉपी आ जाता है फ्लॉपी का दूसरा नाम डिसकेटी भी होता है इसके अलावा आपका मैग्नेटिक टेप आ जाता है मैग्नेटिक टेप जानते हो पहले जमाने में जो ऑडियो कैसेट्स चलते थे उनके अंदर जो रील होती थी उसे हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं हाँ जो मेमोरी बाहर से लगाई जाती है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं यह बात मैंने शुरुआत में भी लिखी थी कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम एक्सटर्नल मेमोरी होता है ठीक है दूसरा नाम सुन लीजिए दूसरा नाम लिख लीजिए वो होता है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया अब ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में क्या आता है सी आ जाता है डीवीडी आ जाता है डीवीडी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा डिजिटल वीडियो भी हो सकता है और वर्सटाइल भी हो सकता है ठीक है ऐसे ही सीडी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क हो सकता है ठीक है ऐसे ही आप BRD लिख सकते हो BRD का फुल का ब्लू रे डिस्क हो सकता है ब्लू डिस्क में याद रखना ब्लू की स्पेलिंग बी एल यू ई नहीं होती है सिर्फ बी एल यू होता है ठीक है और लास्ट में आप एच वी डी लिख सकते हो जिसका फुल फॉर्म है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क ये हो गई मैग्नेटिक ये हो गई ऑप्टिकल ठीक है सुना आपने अब सुनो मुद्दे की बात हार्ड डिस्क की कैपेसिटी लिख लो तो दो टेराबाइट या इससे भी ज्यादा आप लिख सकते हो ठीक है दो टेराबाइट या इससे भी ज्यादा लिख सकते हो की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1.44 पॉइंट फोर एमबी की कैपेसिटी लिख लो 700 सो ठीक है डीवीडी की कैपेसिटी लिख लो 4.7 पॉइंट या 8.4 पॉइंट ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी लिख लो ये चार प्रकार की होती है 25 जीबी पचास जी बी सौ जी बी और एक सौ अट्ठाईस जी बी और होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क लिख लो टेराबाइट तक की हो सकती है स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ठीक है और तीसरा नाम यहां पर आप और लिख सकते हैं और वो तीसरा नाम है हमारा फ्लैश मेमोरी अब उस फ्लैश मेमोरी में आप किसे किसे शामिल कर सकते हो आप पेन ड्राइव को शामिल कर सकते हो पेन ड्राइव नाम सुना है अच्छा पेन ड्राइव का एक दूसरा नाम भी होता है थंब ड्राइव ये याद रखना ठीक है और मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड जिसका दूसरा नाम एसडी कार्ड भी हो सकता है डी का फुल फॉर्म जानते हो स्टोरेज डिवाइस लगाए मत चले आना सिक्योर डिजिटल होता है कितना होता है सिक्योर डिजिटल होता है ठीक है अब इनकी कैपेसिटी लिख लोगे यार तो कितनी लिख दे हम कुछ भी लिख लो भाई चौसठ जीबी एक सौ अट्ठाईस जीबी कितनी भी लिख लो है ना यही सेम चीज तुम यहां पे भी लिख सकते हो ठीक है तो आज का जो सेशन है मैं इसी स्लाइड पर क्या करता हूं बेटा एंड करता हूं क्या आप लोगों को आज मैंने जो भी चीजें पढ़ाई हैं सभी क्लियर हुई हैं तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कल दोबारा तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट